नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि न्यूज पावर्ड बाय स्टिल इंडिया और मैं हूं आपके साथ एकता। झारखंड सरकार द्वारा संचालित पशुधन विकास योजना ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के लिए काफी कारगर साबित हो रही है। इसके माध्यम से सरकार लोगों को सब्सिडी दर पर गाय और भैंस उपलब्ध करा रही है। हजारीबाग जिले के लगभग कई लोग इस योजना का लाभ उठाकर दूध का उत्पादन कर रहे हैं, साथ ही इसके माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त भी हो रहे हैं। बता दें कि इससे पहले किसानों को गाय खरीदने के लिए एक मोटी रकम चुकानी पड़ती थी। वहीं अब इस संबंध में हजारीबाग पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर न्यूटन तिर्की ने बताया है कि पशुधन विकास योजना किसानों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि मौसम के कारण कई बार फसल बर्बाद हो जाती है, लेकिन पशुधन ऐसा है जिसका लाभ किसान हर दिन इसके साथ ही हर मौसम में भी उठाकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, जिस कारण किसानों में पशुधन योजना को लेकर अच्छी दिलचस्पी भी दिख रही है। किसानों को उपलब्ध कराई जा रही दुधारू पशु उच्चतम नस्ल भी होती है, जो रोजाना कम से कम 10 लीटर दूध अवश्य देती है। इसी के साथ उन्होंने बताया है कि अभी इस योजना के लिए 3 तरह की स्कीम पर काम किया जा रहा है, जिसमें 2, 5 और 10 पशुधन सब्सिडी दर पर दिए जाते हैं। वहीं इस योजना के तहत 2 दुधारू गाय पर सरकार 75% अनुदान दे रही है, जबकि दिव्यांग तलाकशुदा ग्रामीण महिलाओं को 90% अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना में 2 गाय की कीमत 1,35,550, वहीं 90% सब्सिडी के पश्चात लाभुक को 13,550 रुपए जमा करना होगा। वहीं 75% सब्सिडी के पश्चात किसान को 33,875 रुपए जमा करने होंगे। बता दें कि ये स्कीम केवल महिलाओं के लिए ही दिया गया है। वहीं 5 या 10 गाय लेने के लिए 2 अलग अलग स्कीम है, जिसमें अनुसूचित जाति व जनजाति से आने वाले लोगों को 75% व अन्य सभी को 50% अनुदान दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभुक प्रखंड कार्यालय या फिर पंचायत सचिवालय में जाकर आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा मुखिया प्रखंड के प्रमुख जिला परिषद के पास भी आवेदन दे सकते हैं। आवेदन के पश्चात जब उनका चयन हो जाएगा तो उन्हें इसके लिए सूचित कर दिया जाएगा। तो ये थी इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी। अगर अभी भी आपके मन में कोई संदेह या सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। कृषि से जुड़ी ऐसी ही और भी खबरें जानने के लिए कृषि जागरण को फॉलो करना ना भूलें, साथ ही जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी खबर सबसे पहले आप तक ही पहुँचे।